राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में उपस्थित केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह जी, विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार जी, ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशिएंसी के डायरेक्टर जनरल श्री अभय बाकरे जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों, स्वजनों तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को, विशेषकर बच्चों को, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही अन्य सभी प्रतिभागियों की भी मैं सराहना करती हूँ। मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाई देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे ऊर्जा संरक्षण के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान दें। मुझे बताया गया है कि ऊर्जा संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 80,000 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की है। बच्चे जो चित्र बनाते हैं उनमें सच्चाई होती है। बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उनसे हमें सीखना भी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। देवियों और स्वजनों, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। यद्यपि भारत द्वारा किया जा रहा है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और जीएचजी एमिशन वर्ल्ड एवरेज के एक तिहाई से भी कम है, फिर भी एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मानकों तथा पेरिस एग्रीमेंट के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को भारत ने नियत अवधि से पहले ही प्राप्त कर लिया है। उसके बाद हमारे देश में अपने लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके लिए देश के नेतृत्व की और सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। ये उपलब्धियाँ नवीकरणीय ऊर्जा तथा नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के सक्षम उत्पादन व उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के बल पर ही प्राप्त की जा सकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत को गौरवशाली स्थिति प्रदान करने के सफल प्रयास के लिए केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी, राज्य मंत्री कृष्णपाल जी तथा उनकी टीम के सदस्यों की मैं हार्दिक सराहना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब वर्ष 2030 तक के लिए तय किए गए नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस को अवश्य पूरा करेंगे और पर्यावरण के हित में भारत द्वारा श्रेष्ठ योगदान सुनिश्चित करेंगे। देवियों और स्वजनों, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सभी लोग जानते हैं कि भारत ने COP26 में विश्व समुदाय से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने का अनुरोध करते हुए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अर्थात लाइफ का संदेश दिया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा में लोगों की जीवन शैली हमेशा लाइफ के उस संदेश के अनुरूप ही हो रही है। प्रकृति का सम्मान करना, प्राकृतिक सामग्री का अपव्यय ना करना और प्राकृतिक संपदों को बढ़ाने के उपाय करना,
ऐसी जीवन शैली का अभिन्न अंग होता है। भारत की अग्रणी भागीदारी के साथ पूरा विश्व समुदाय ऐसे जीवन शैली अपनाने के लिए आगे बढ़े, यही भारत का विश्वव्यापी प्रयास है। आजकल हमारे देश G20 के अध्यक्षों के रूप में भी अनेक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये जानकारी होगी कि G20 के देशों के विश्व के कुल GDP में 85% और इंटरनेशनल ट्रेड में 75% योगदान रहता है। साथ ही विश्व की 60% पॉपुलेशन भी G20 के देशों में निवास करती है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के अनुसार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के थीम को अपनाया है तथा हम इसे विश्व पटल पर प्रसारित भी कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, सभी देशवासियों को विकास का प्रचुर अवसर प्रदान करते हुए क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने के लिए देश की सरकार और जनता द्वारा ऊर्जा के सक्षम उत्पादन उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए मैं भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के विभिन्न कार्यकलापों की सराहना करती हूँ। इस संदर्भ में एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन पर विशेष ध्यान देने की भी मैं सराहना करती हूँ। मैं नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स के विजेताओं की नई सोच और कार्य पद्धति के लिए उनकी प्रशंसा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुरस्कृत किए गए इनोवेशन का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए। ऐसे इनोवेशन से प्रेरित होकर अधिक से अधिक लोग नई नई पद्धतियाँ विकसित करेंगे जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता प्राप्त होगी। बायोडायवर्सिटी सहित प्रकृति को बचाने की चिंता हम सबकी सबको करनी है। भारत की महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने एक चिंता बड़ी मार्मिक शब्दों से किए हैं। उन्होंने लिखा है, आंधी आए जोर शोर से, डाले टूटे हैं झोंकर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेंगी कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हम सबको मिलकर चिड़िया के घोंसलों को बचाना है, चिड़िया को बचाना है, अंडे बच्चों को भी बचाना है, डाली को बचाना है, पेड़ को भी बचाना है, धरती माता के प्राकृतिक संतुलन को बचाना है अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को कार्य रूप दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से सभी देशवासियों को मैं पर्यावरण सेनानी मानती हूँ और सबके विजय की मंगल कामना करती हूँ। आज के इस समारोह को मैं ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के आह्वान के रूप में देखती हूँ। हम सब एक संकल्प के लिए जो कुछ भी करेंगे वो सदैव प्रकृति के अनुकूल होगा, कभी भी प्रतिकूल नहीं होगा। प्रकृति और प्रगति के संतुलन को बनाए रखने में ही मानव कल्याण निहित है। इस विचार के साथ पूरी मानवता आगे बढ़े, इसी मंगल कामना के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।